हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हमारा न्यू चैनल है और जर्नी बड़ी टफ है, तो प्लीज सपोर्ट करो और हमें सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं द परफेक्ट कपल। ये एक क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है। आपको टोटल 8 एपिसोड देखने हैं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि एक रिच फैमिली के घर पर शादी चल रही होती है। यह जो रिच फैमिली है इसमें माता पिता और अन्य सभी परिवार सदस्यों के कुछ कुछ रहस्य और अवैध संबंध वाले रिश्ते भी हैं। इस शादी के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आ जाता है जब एक लड़की का मर्डर हो जाता है। तो आखिर अब वो मर्डर किसने और क्यों किया है और क्या पुलिस असली कातिल तक पहुँच भी पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की तो सीरीज हमें थोड़ा लंबा लगा है। एक एपिसोड तकरीबन 50 मिनट के हिसाब से 6 घंटे का समय देना अधिक है। कहानी में बहुत सारी टॉपिक एक साथ हैं। मूल टॉपिक तो मर्डर मिस्ट्री है, उसके अलावा जो भी इस फैमिली के कपल हैं, उन पति पत्नी के आपसी रिश्ते और शादी के बाहर अवैध संबंध वाले रिश्ते, इसके अलावा ब्लैक पुलिस अफसर और बोरे फैमिली के बीच तनाव, इन्वेस्टिगेशन जैसे मुद्दे भी दे दिए गए हैं। तो समझ नहीं आता कि यह क्या एक मर्डर मिस्ट्री है, सोशल ड्रामा है, अथवा निर्माता निर्देशक क्या दिखाना चाहते हैं। जो मर्डर मिस्ट्री पर फोकस होता है, जो पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, उतना हिस्सा तो देखने लायक लग सकता है, सस्पेंस बना रहता है। परंतु बिना बात के सोशल ड्रामा दिखाकर सीरीज को क्यों खींचा गया है और एक्सपीरियंस हमारा खराब होता है। देखो कहानी के बारे में जानकर आप ये समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज एक हुडनिट मिस्ट्री है और ये शो एक बहुत ही मीडियोकर सा एक्सपीरियंस है। जो मिस्ट्री है वो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या ग्रिपिंग नहीं है, बस काम चल जाएगा। अगर आपको मिस्ट्रीज बहुत पसंद आती हैं, तो ये सीरीज आपको कुछ पार्ट्स में तो थोड़ा बहुत जरूर एंटरटेन कर देगी। जो सोशल कमेंट्री है सीरीज में या जो रिच एंड हाई सोसाइटी ड्रामा, वो आपको कुछ पार्ट्स में थोड़ा बहुत फनी लग सकता है। इस सीरीज में आपको न्यूडिटी देखने को मिलेगी और सेक्स सीन्स किसिंग सीन्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन काफी जगह ये शो आपको जरूरत से ज्यादा ड्रैग होता हुआ फील होगा, थोड़ा बहुत बोर फील करवा सकता है ये शो। कहानी में छोटे छोटे ट्विस्ट काफी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ट्विस्ट आप पर कोई खास इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। प्लस सीरीज के एंड में जब किलर की आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है, तो वो सारा पार्ट भी कुछ खास कन्विंसिंग फील नहीं हुआ। बस हाँ, जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में वो अच्छी हैं। निकोल किडमैन हमेशा की तरह खूबसूरत नजर आई है, उनकी एक्टिंग ठीक ठाक लगी है। पिता के किरदार में एक्टर लियव श्राइबर ठीक ठाक नजर आए हैं। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया रखा गया है। आउटडोर लोकेशन, समुद्र किनारे के सीक्वेंस खूबसूरत नजर आते हैं। कॉस्ट्यूम वर्क भी बहुत बढ़िया है, उच्च दर्जे का दिखाया गया है, अच्छा है। लेकिन कहानी मिस्ट्री और कैरेक्टर वर्क सब कुछ बस ओके ओके सा है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए टाइम पास के लिए शो को देखना चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस सीरीज को इसलिए स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। दोस्तों यह था हमारा इस सीरीज के बारे में सीधा सच्चा ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी इसके आगे आप दर्शकों की मर्जी। हमारा यह रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने यह फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।